एक्सरसाइज 1.6 चलेगा बच्चों। मार्कर में थोड़ा मैं इंक डाल देता हूं। यहां पर आपको दिख रहा है ना लाइव नंबर कौन सा है बता देना। एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स। ओके छात्रों पहले एक छोटा सा जवाब दीजिए, जैसे अगर 3 का घात यहां पर 2 लिखा है तो इसका मान क्या होगा, जानते हो आप बताओ, बोलो क्या होगा, सोचो और बताओ। हम बात करते हैं आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की, बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, बात करते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, जो आपका एक्सरसाइज है 1.6, पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो ये लाइव नंबर कौन सी है भाई, एक मिनट देख लेने दो। लाइव नंबर आज है, कुछ पढ़ा नहीं है का, 7 नंबर है, 7 नंबर है। आओ फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है 64 की घात 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान निकाल सकते हैं हम, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आइए बताएं कैसे। देखिए बच्चों जैसे 3 का पावर 2 का मान 9 होता है ना, ये कैसे होता है आप जानते हो कि नहीं, थोड़ा समझो बता रहा हूं। जितना घात है इसका मतलब उस गिनती को उतना बार गुणा करते हैं, इस तरह से 9 आ रहा है, ऐसे इसी तरह से एक और देखो, एक और देखो और समझो। जैसे 5 का घात 4, थोड़ा रुको, इसका मान बताओ, सोचो और बताओ, 5 की घात 4 का मान बताओ, बोलो। देखो इसका मान ये हुआ कि 5 × 5 × 5 × 5 यानी जितनी घात है उसको उतनी बार क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 5 × 5 = 125, 5 × 125 = 125 कितना होगा, 625 होगा क्या, करके देखना। 5 × 5 = 10, 2 × 12 = 5, 5 × 5 = 6, 625। तो साथी मेरे इसका मान हो जाएगा 625। इसी तरह से हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है समझो बच्चा, जैसे 64 है ना बाबू, तो 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का घात 6, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, 64 को 2 का घात 6 लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 6 और फिर ब्रेकेट बंद और बाहर से 1/2 है, इसको ऐसे लिख देंगे, समझते चलो एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझते चलो एकदम प्यार से। जो कमेंट कर रहे हैं काफी परेशान है, मैं सबका देख पा रहा हूँ। सिद्धार्थ तुम्हारा कमेंट आ रहा है, शेषनाथ यादव, सुमित पांडे, शिवम यादव, आर्यन कुशवाहा, ममता राजपूत और संकी यादव। चलो तो बच्चा देखो 2 का घात 6 और ये गुड़ा 1/2, ब्रेकेट खोल देंगे, ठीक है, इनको आप हल करोगे ये कट पिट जाएंगे आपस में, सरल हो जाएंगे, सरल करके देखो एक बार जरा भाई, 2 से कट जाएगा ना 3 आएगा, काट के देखो 2 का घात 3 आ जाएगा और 2 के घात 3 का मतलब है कि 8 आ जाएगा, तो आप लिख दो 8 हो गया आंसर। ये जो बोर्ड है ना उसे मुझे कपड़ा भिगो के मिटाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगती है ये, ठीक है भैया लोग, समझ रहा हो ना। चलो तो 2 का घात ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा यानी 2 का पावर 3, फाइनल में 8, कितना 8, ठीक है सुमित समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, चलो ओके ठीक सबको समझ में आया ना। 8 की घात 2 हो सकता है ना सर, 8 की घात 2 कैसे होगा बच्चा? हाँ 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, क्यों? क्योंकि ये 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका ये मतलब है। ठीक है 8 कैसे भाई चौहान? 8 इस तरह से होता है, 2 दुना 4, 4 दुना 8। अब ये नहीं जानते हो तो आप बेसिक सीखो पहले, 0 लेवल। ये पहला का आंसर हो गया। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज है आपका 1.6। मुझे आप एक छोटा सा सवाल बताइए, तब तक फिर हम आपका एक्सरसाइज फिर से करवाएंगे, एक क्वेश्चन तब तक मैं पूछूंगा आप लोग से। ये बताओ बच्चा कि अगर 1/2 है और इसकी घात, समझो थोड़ा सा समझो, माइनस का 3 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, कैसे लिख सकते हैं? एक बार कोशिश करके बताओ, मैं एक तब तक पोल करवाता हूं फिर आगे बात करूंगा। बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो। क्वेश्चन है, आप किस क्लास में हैं? जिनको नहीं आ रहा वो कहीं नहीं जाएंगे, मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा रुक जाओ, बस तुरंत बता रहा हूं। मैं एक पोल करवा रहा हूं आप लोगों से कम्युनिटी में, आप लोग वहां बताना। आप किस क्लास में गए हैं ये आपको बताना है। मैंने एक पोल करवा दिया है कम्युनिटी में। ठीक है चलो, ठीक है देखो बेटा, अगर ये माइनस में है ना तो इसे मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं ऊपर ले जाकर के प्लस में, बस यही अंतर है। 2 का पावर 3, वेद प्रकाश, पिंकी यादव, हाँ ठीक है, लगभग सही है, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके। ठीक है तो अब देखो आगे, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है बता 32 का पावर 1/5 क्या है, 32 का पावर 1/5। इसका पावर 1/5, बोलो इसका मान कितना आएगा? देखो मैं बताता हूं, समझो समझो, सुनो सीखो। 32 को भी आप क्या करोगे, 2 का घात के रूप में लिखोगे। 32 को क्या करोगे, 2 का घात के रूप में लिखोगे, तो 32 को अगर गुणनखंड करो आप 2 2 के घात के रूप में, तो कितना आएगा एक बार करके देखो, कितना आएगा करके देखो, कितना आएगा? देखो बताता हूं, 32 को आप कर सकते हो 2 का घात 5, और बाहर 1/5 ऐसे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का घात 5 और ये 1/5। फाइनल में 2 का घात 5 गुणा 1/5, साथ ही मेरे ये 5 से 5 कट जाएगा, बराबर 2 आएगा ना, बोलो आएगा कि नहीं? आएगा ना, ठीक है ओके डन कंप्लीट। चलो सबको समझ में आ रहा है, रामजीत सैनी, मतलब ज्यादा लोग अभी तो 9th में ही हैं, 10th वाले कम ही है का, लेकिन आधा ज्यादा बच्चे इसमें लगभग 10th में पहुंच गए। जो 10th में पहुंच गए वो भी 10th वाले पे वोट करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 की घात 3, 125 इसकी घात 3,
तीन है कि वन अपान तीन है भाई? वन अपान थ्री है ना ये, इसको बताओ कितना आएगा, सोचो कोशिश करो, बताता हूं। देखो आगे चलो बढ़ो, बताता हूं। देखो समझो, ये 125 को हम कर सकते हैं 5 का घात 3, और बाहर से 1/3, फाइनल में ये 5 का पावर 3 × 1/3, ये 3 पे 3 कट जाएगा। याद रहे इसको लिखने का, थोड़ा और अच्छे से लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे मजा नहीं आ रही। देखो इसको लिखने का तरीका ये है कि 5 का घात 3 तो ठीक है, इंटू ये 1/3 ऐसे लिखा जाता है, यानी 3 जो है ऊपर वाला ये अंश में है, ये हर में है, ये कट जाता है तो 5 आएगा। ठीक है गीता श्रीवा, सॉरी श्रीवास जी, बिल्कुल सही है। ठीक है रानी परमार, मृतंजय त्रिपाठी, ममता, पंकज, चलो ठीक है लिख लो फटाफट। शिवम, हाँ 2022 में जो 10th पे गए हैं वो 10th में क्लिक करें, यही तो बोल रहा हूँ। चलो देखिए बहुत आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, ये कोर्स दोबारा चल रहा है, अगर आप इसे पूरा जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हो तो आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो बच्चा, प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा अच्छे से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा का पहला देखो, यहां दिख रहा है ना, दूसरा का पहला, दूसरे के पहले में कह रहा बेटा कि ज्ञात कीजिए 9 का घात 3/2। देखो 9 का पावर 3/2 इसका मान ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे बोलो ना। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको करना, आ देखो बताता हूं, समझो समझो, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 2, और फिर ब्रेकेट बंद, ये बाहर से 3/2, यानी फाइनल में मैं कर सकता हूं 3 का पावर 2 × 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो भैया 3 का पावर 3 = 27। क्यों कुछ गड़बड़ हो रहा है का? एक मिनट, ये घात घात तो कट ही गई, खत्म हो गया ना, कितना आएगा भाई, वो घात में था तो जो बच रहा है वो घात में ही तो बच रहा है, 27 + 9 आएगा, कितना आएगा करके देखो आप लोग, बात ना करो कोई भी, फटाफट देखो 1.6 है ना, जल्दी चलो फटाफट आगे बढ़ो, 1.6 ठीक है। लिख लो आगे बढ़ते हैं, नहीं गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ काहे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, देखो वो घात में ही लिखा था बेटा, ठीक है घात में ही लिखा था वो, देखो यार इधर साइड ना घुमाने पे गला दर्द कर रहा है ये। विजय शंकर पांडे जी, विजय शंकर, हाँ कमेंट आ रहा है आपका, चलो ठीक है। (32 = 2/5) अगला देखो, 32 = 2/5 इसका कैसे करोगे? विजय शंकर जी कमेंट आ रहा, ठीक है। आर्यन, दीपू, उत्कर्ष जी कमेंट आ रहा आपका भी,
ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। देखो इसको दो का पावर के रूप में लिखोगे तो भैया इसको दो का पावर बनेगा बाबू, देखो दो का पावर पांच बनेगा, और ये आपका 2/5 पहले से है, क्यों यही तो बनेगा ना। तो फाइनल में आपका ये हो जाएगा 2^5 गुणा ये 2/5, तो 2/5 ऐसे, 5 से 5 कट गया तो ये 2^2 बचा, फाइनल में 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं ना, लिखते चलो फटाफट आगे बढ़ते। पूजा यादव पढ़ाई कर लो चुपचाप, बोलो नहीं, ज्यादा बोलोगी ना तो यहां से भगा दी जाएगी। 16^3/4 ऐसे घूम के देखने पे दर्द कर रहा भाई। 16^3/4 देखो इसमें आप 2 का पावर के रूप में लिखोगे, इसे 2 का पावर के रूप में करके देखो, देखो समझो यार। ये वैसे उस दिन सो गए थे रात में कुर्सी पर बैठ के, मुझे लग रहा है ये बड़ा दर्द कर रहा है, ऐसे ऊपर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे देखूं तो सही है। तो 2^4 ये 4 और ये ब्रेकेट बंद 3^4, तो ये 2^4 × 3/4 ये 4 से 4 कट गया। 2^3 = 8 लिख लीजिए। आकाश यादव समझ में आ रहा है? जो नया है या पुराना है सभी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, पढ़ते रहिए। 64 रही आएगा बच्चा इसमें कहीं, 8 आएगा, 8। उस दिन कोनो बोला था यही कि बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए मुंह उठा के, और उसी दिन से दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने 16^2/4 लिख दिया और ये 2 3/4 पहले से था, 4 से 4 कट गया तो 2^3 हो गया, 2^3 = 8 हो गया, बस हो गया आंसर। आगे देखो, चौथा नंबर देखो, 125^-1/3 125^-1/3 ये हो जाएगा 5^3, ठीक है, और बाहर से -1/3 जो भी है, फाइनल में ये 5^3 × -1/3 3 से 3 कट गया, 5^-1 यानी 1/5 आएगा। घात माइनस का मतलब बटे में हो जाएगा, ठीक है। किसी ने नजर लगा दी किस में, पानी में लगा दी का नहीं, नजर वजर तो ऐसे नहीं लगती मुझे समझ में, ऐसे देख सकते हैं बट ऐसे नहीं देख सकते, इधर इधर साइड में यहाँ पे कर रहा है ये ऊपर उठाने पे, आज कुछ ज्यादा कर रहा है। लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, मुझे लग रहा है इसमें से अधिकांश बच्चे 10th में चले गए हैं, इस वजह से 9th के बच्चे कम आ रहे हैं ना, अधिकतर बच्चे 10th में चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें से कितने बच्चे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की किताब लिए हैं बोलो, कक्षा 10 एनसीईआरटी, सॉरी 9 नंबर की, कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक कितना लोगों ने लिया है? नींबू लगा लेने सही हो जाएगा,
अच्छा ठीक है, ठीक है। बात नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, काम सिर्फ काम। चलो आगे बढ़े। ओ ये हो भाई शिवम श्रीवास्तव, थर्ड नंबर कह रहा सरल कीजिए, 2 का पावर 2/3। टू का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। सरल करना है। देखो यहां पर जो घातांक है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन बेस उनका बराबर है। तो बेटा देखो दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो क्या 3/2, और ये घात 1/5 जुड़ जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होता है। ठीक है, तो ये जोड़ना तुम्हें आता है कि नहीं? 3/2 में 1/5 जोड़ लो, भिन्न का जोड़ना सीख चुके हो बहुत पहले, है ना? तो इसको जोड़ोगे, 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2, 15 = 17, 17/10 आएगा ना, जोड़ के देखो कि 13/15 कुछ आएगा ऐसे अजीब टाइप का। ये 2/3 था, ये 2/3, सॉरी आप सही है, 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10, 13/15 आएगा, यानी 2 का घात 13/15, ये आंसर आ गया। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट बच्चों, लिख लीजिए, लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, लिख लीजिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए दीपू कमडी मौज भाई, आज जल्दी कोचिंग आ गए का? क्या बात है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे। चलिए उतार लिए। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? 2 का पावर 2/3 × 2, 2 का पावर 1/5। देखिए गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं जब इनका बेस इक्वल होता है। अगर बेस इक्वल रहेगा तो जुड़ जाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अगला देखो एक और, 1/3 का पावर 3 और उसकी पावर 7, ये देखो समझो, समझने वाली चीजें हैं। 1/3 का पावर 3 और इसकी पावर 7, इसका मान कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इंग्लिश में बोलो। 1/3 का पावर 3 होल पावर 7, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। कौन बोल रहा है इंग्लिश में बोलो, कोई कह रहा है ना? देखो समझो भैया, हो 1/3, इसको आप माइनस में कर सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, इसको माइनस में कर सकते हो ऊपर ले जाके, तो ये 3 का पावर -3 हो सकता है, और ये × 7 जो ऐसे था वैसे का वैसे, दोनों ब्रेकेट एक जैसे नहीं लगाओगे, इसलिए आप इस ब्रेकेट का प्रकार बदल दो, इसे मंझला कोष्ठक कर दो। तो 3 का पावर -3 × 7 = 3 का पावर -21, ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए ओके डन। लिखते जाइए फटाफट, लिखते जाइए। सूरज बहुत देर हो गई, अच्छा है, देर हो गई, बढ़िया है। देखिए कोई भी नंबर जो घात के रूप में लिखा है, ठीक है,
जो घात के रूप में लिखा है उसे हल करना आसान है। देखो कैसे, एक चीज इधर सुनो, जैसे 3/5 का पावर -2 इसे आप कैसे लिख सकते हो पता है? कैसे लिख सकते हो? देखो इसे लिख सकते हो 3 × 5 का पावर 2 लिख सकते हो इसे, मालूम है कि नहीं? क्योंकि जो घात माइनस है ना ऊपर जाने पर प्लस हो जाती है, याद रखना। जैसे देखो अगर कहीं 1/5 की घात -7 लिखा है तो इसे हम 5 की घात -7 लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ओके। आगे बढ़े कर लोगे ना आप सभी? थर्ड नंबर में सब हो गया, एक और बचा है, इसको भी कर लो भैया। 11^1/2 नीचे 11^1/4 इसको करके देखो। देखो पहले ऊपर वाला तो वैसे लिख लोगे जैसे दिया है 11^1/2, उसके बाद एक काम करोगे वो क्या है, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी कूड़ा में, यानी 11^-1/-4 सॉरी, ठीक है? और जब बेस बराबर है तो कूड़ा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, माइनस है तो घट जाएंगी, फाइनल में 11^1/-1/4 इनको आप घटा लो जोड़ लो जो भी हो सके कर लो। 4 × 4 और 2 × 2 चार में से 2 गया 2, 2/4 यानी 11^1/2 आएगा, कट जाएगा कि 1/4 आएगा भाई, कितना आएगा करके देखो। देखो बताता हूं समझो, 1/2 से 1/4 घटाना है। देखो ये इसका घात, इसमें गुणा कर लो तिरछा, 4 × 4 2 × 2 और नीचे 8 ठीक है, 2/8 1/4 आएगा, 1/4 आएगा ठीक है। ये संकी यादव को ब्लॉक कर दो भाई, संकी यादव इनको हल्का यहां से हटाओ फटाफट, लिख लीजिए शाम को 7 बजे से ये क्लास होती है, शाम 7:40 तक होती है। आज ये गला भी दर्द कर रहा है इसे उठाने पे टेढ़ करने, भाई तो आज का क्लास यहीं पे बंद होगा।